लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जैन आपके साथ। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव जीतने के बाद टीएमसी समर्थकों की तस्वीरें सामने आई हैं। टीएमसी समर्थकों पर जीत की खुमारी कुछ ऐसी चढ़ी कि वो बीजेपी दफ्तरों पर कब्जा करने लगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जीत के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हौसले बुलंद है। इस बीच पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बीजेपी के 4 दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और भगवा रंग से रंगी दीवारों पर हरे रंग की पुताई कर दी। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के बंद ऑफिसों के ताले तोड़कर उन पर कब्जा जमा रहे हैं। मामला नॉर्थ 24 परगना जिले का है, जहां उपचुनाव के नतीजे आते ही बड़ी तादाद में टीएमसी समर्थक पहुंचे और बीजेपी के 4 दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। कोई ताला तोड़ रहा था, कुछ लोग ऑफिस बीजेपी के नाम पर पुताई में जुट गए थे। ताला टूटते ही कुछ टीएमसी समर्थक ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और छत पर चढ़कर बीजेपी के झंडे हटाकर वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। गौरतलब है कि राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। टीएमसी को पश्चिम मोदिनी जिले की खड़गपुर, नदिया जिले की करीमपुर और उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज में जीत मिली थी। इससे राज्य में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभर रही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि मतदाताओं ने बीजेपी को उसके सत्ता के अहंकार के लिए सबक सिखाया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।